हाय किड्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इन, ऑन, अंडर। पोजिशन वर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यह हमारी बुक का नाम है लिटरेरी जर्नीज एन इंग्लिश रीडर प्री प्राइमर बुक बाय ब्रेन रूट सीरीज। चलिए हम देखते हैं हमारे चैप्टर में क्या है। सबसे पहले आप देखिए, हर चीज़ की पोजिशन को ऑब्जर्व कीजिए। द नेस्ट इज़ ऑन द ट्री। ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है तो हम ऑन यूज़ करते हैं। द काउ इज़ अंडर द ट्री। काउ कहाँ है? ट्री के अंडर है, ट्री के नीचे है। द एग्स आर इन द नेस्ट। इन मतलब अंदर, ठीक है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है ना तो हम इन यूज़ करते हैं। तो ऑन मतलब ऊपर, इन मतलब अंदर, और अंडर मतलब नीचे, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे प्रैक्टिस। द गर्ल इज डैश द हट। द गर्ल इज इन द हट। द डॉग इज डैश द कार। डॉग कहाँ है? कार के नीचे है ना, तो आप लिखेंगे अंडर। द क्रो इज डैश द हट। द क्रो इज ऑन द हट। ओ एन ऑन। द कैट इज डैश द टेबल। द कैट इज अंडर द टेबल। टेबल के नीचे। द फिश इज इन द पॉट। फिश कहाँ है बच्चों? पॉट के अंदर है ना। द पॉट इज ऑन द टेबल। पॉट कहाँ है बच्चों, बताइए? पॉट इज ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर है पॉट, ठीक है। चलिए, दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। अब हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर आपकी बुक से, लिटरेरी जर्नीज एंड इंग्लिश रीडर प्री प्राइमर बुक बाय ब्रेन रूट सीरीज। तो हमारे चैप्टर का आज नाम है ऑपोजिट्स। क्या नाम है? ऑपोजिट्स। ऑपोजिट का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ डे, डे का उल्टा क्या है? नाइट। चलिए, डे का उल्टा नाइट। अप का ऑपोजिट डाउन, ऊपर का ऑपोजिट नीचे। बॉय का गर्ल, फैट का थिन, हैप्पी का सैड। फिर से पढ़ते हैं, डे नाइट, अप डाउन, बॉय गर्ल, फैट थिन, हैप्पी सैड, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, गुड बैड, ओपन क्लोज, सिट स्टैंड, ओके। चलिए अब हम पढ़ेंगे 10 लिटिल एप्पल्स। 1 लिटिल, 2 लिटिल, 3 लिटिल एप्पल्स, 4 लिटिल, 5 लिटिल, 6 लिटिल एप्पल्स, 7 लिटिल, 8 लिटिल, 9 लिटिल एप्पल्स, 10 लिटिल एप्पल्स हैंगिंग फ्रॉम द ट्री। फिर से पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ बोलिएगा। 1 लिटिल, 2 लिटिल, 3 लिटिल एप्पल्स, 4 लिटिल, 5 लिटिल, 6 लिटिल एप्पल्स, 7 लिटिल, 8 लिटिल, 9 लिटिल एप्पल्स, 10 लिटिल एप्पल्स हैंगिंग फ्रॉम द ट्री। ओके, तो हमने क्या पढ़ा? हमने नंबर नेम्स पढ़े बच्चों। हमने 1, 2, 3, 4 पढ़ा। चलिए नंबर नेम्स हमें अब लर्न करने हैं और यहाँ पे लिखने हैं। 1 की स्पेलिंग क्या होती है? O-N-E-1। साथ के साथ आप लिखेंगे और लर्न भी करेंगे। यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से लर्न करें, ठीक है। 2 की स्पेलिंग 2। 3 की स्पेलिंग T-H-R-E-E-3। What is the spelling of next? 4. F-O-U-R 4. Next, F-I-V-E 5. ठीक है, F-I-V-E 5. S-I-X 6. S-E-V-E-N 7. E-I-G-H-T क्या होता है बच्चों? 8. N-I-N-E 9
एंड टेन की स्पेलिंग क्या होती है? TEN, टेन. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, so now I am sure you have understood. That's it for this video. Thanks for watching. Goodbye and take care.